दोस्तों, जब हम किसी बिजनेस की अकाउंटिंग को किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंटेन करते हैं तो हमें उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वाउचर्स यूज करने होते हैं। जैसे हमारे सप्लायर्स ने हमें कोई परचेज का बिल हमें दिया है तो उसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में करते हैं, या अगर हमें हमारे कस्टमर को कोई उस गुड्स का बिल हमें देना होता है तो हम सेल वाउचर का यूज़ करते हैं, कोई कस्टमर हमें पैसा दे के गया है तो हम रिसिप्ट वाउचर का यूज़ करते हैं, या अगर हमें कोई सप्लायर को हमने पेमेंट करी है तो हम पेमेंट वाउचर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, कुछ एक सॉफ्टवेयर में ये जैसे परचेज, सेल, पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर, ये बेसिक वाउचर होते हैं जिसकी ज़रूरत हमें छोटे से छोटे बिजनेस में और बड़े से बड़े बिजनेस में भी इसका यूज होता है। लेकिन जब बात आती है उन वाउचरों में से एक वाउचर होता है कॉन्ट्रा वाउचर का। तो दोस्तों, यहाँ पर जब कॉन्ट्रा वाउचर की बात आती है तो एक नॉन कॉमर्शियल स्टूडेंट यहाँ पर आके कन्फ्यूजन हो जाता है भी कॉन्ट्रा वाउचर में किस प्रकार की एंट्रियाँ करी जाती है और कॉन्ट्रा वाउचर का रियल में मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कॉन्ट्रा वाउचर का यूज किस प्रकार करते हैं और कितने टाइप की एंट्रियां उस कॉन्ट्रा वाउचर में जब हम रियल बिजनेस की अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं तब करी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप एक नए अकाउंटेंट हो तो आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखना, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना जो दोस्त आपके अकाउंट सीखना चाहते हैं। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर टैली सॉफ्टवेयर, विजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और टैक्सेशन से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियो कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ही वीडियो। तो दोस्तों, ये कॉन्ट्रा जो वाउचर होता है, ये वाउचर आपको हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में देखने को मिलेगा। जैसा कि अब मेरे पास ये टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में ये कॉन्ट्रा वाउचर है जो ओपन किया हुआ है। अब आपको हम चलते हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे। आप जब भी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री करोगे तो आप ट्रांजेक्शन पर जाओगे, तो जैसे आप ट्रांजेक्शन पर जाओगे तो यहाँ पर भी आपको कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं मार्क काउंटिंग सॉफ्टवेयर की। अगर आप मार्क काउंटिंग सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग मेंटेन करोगे तो भी आपको वाउचर एंट्री पे जाओगे, तो वाउचर एंट्री पे जाने के बाद आपको इस सॉफ्टवेयर में भी कॉन्ट्रा वाउचर है जो देखने को मिलेगा। और हम बात करते हैं एक चौथे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जिसका नाम है फैक्टेक्स। दोस्तों, फैक्टेक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में यूज करेंगे, वाउचर पर हम जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको कॉन्ट्रा वाउचर है जो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, रियलिटी में कॉन्ट्रा वाउचर में किस प्रकार की ट्रांजैक्शन करी जाती है ये आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के एंड तक कंप्लीट हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों, सारी बातें हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री जो बिजनेस की है वो कौन कौन सी और किस प्रकार की एंट्री होती है। तो दोस्तों, अगर बात करें तो फर्स्ट एंट्री, जब हम बिजनेस में हैं तो हमारे बिजनेस के अंदर बैंक अकाउंट भी होता है, तो बैंक अकाउंट में जो बैंकिंग से रिलेटेड जो एंट्री होती है वही कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्रियाँ करी जाती है। जैसे कि बैंक में कैश हमने डिपॉजिट करवाया है तो उसकी जो एंट्री है वो भी हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। अगर हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है यानी कि कैश पैसा हमने बैंक से निकलवाया है तो भी उसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं, या फिर हम बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन हम जो करते हैं उसकी एंट्री भी हम कॉन्ट्रा वाउचर में ही करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन का मतलब हो गया भी दोनों बैंक हमारे खुद के ही होने चाहिए, हमारी कंपनी के ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी हमारा बैंक है और हम किसी दूसरी पार्टी की बैंकिंग के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रा वाउचर में नहीं होती, वो हम एक तरीके से पेमेंट या रिसिप्ट होती है। या फिर चौथा जो है, इसका ज़्यादा यूज होता है, वो ज़्यादा बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन इसके जो वाउचर होता है मैन कैश और फैटी कैश में जो ट्रांसफर पैसा होता है ये ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर की जो कंपनी होती है वो इस कंडीशन में इस एंट्री को यूज़ करती है। तो दोस्तों, ये एंट्री भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर की अकाउंटिंग को मेंटेन करना चाहते हो तो। और ये जो ऊपर वाली जो तीन ट्रांजेक्शन है, ये बेसिक ट्रांजेक्शन है, ये अमूमन यूज होती रहती है। तो हम बारी बारी से एंट्री करना सीखेंगे इसकी। तो दोस्तों, पहली बात आती है कैश डिपॉजिट की। तो दोस्तों, जब हम बैंकिंग के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें बैंक में पैसा जमा करवाना होता है, और जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो हमें इस तरीके की एक स्लिप भी भरनी पड़ती है। तो दोस्तों, जैसा मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, और हमने बैंक ऑफ इंडिया में ये 5,000 रुपये की नकदी यानी कि कैश हमने डिपॉजिट करवाई है। दोस्तों, इस तरीके से हम स्लिप भरते हैं, और इसके बाद में जो उसके आगे वाला इसका जो हिस्सा होता है ये बैंक अपने पास खुद रखता है, और ये जो हिस्सा है ये हमें बैंक का जो दे देता है। अब हमें जो एंट्री है ये समझेंगे हमारे पास ये वाउचर होता ही नहीं है, जबकि हमारे पास रियलिटी के अंदर ये वाउचर होता है, हमें इस वाउचर को देख के ही एंट्री करनी होती है। दोस्तों, इसका मतलब हमने बैंक में कैसा जो कैश डिपॉजिट करवाया है, तो इसकी एंट्री हम टेली सॉफ्टवेयर में किस प्रकार करेंगे,
तो हम सबसे पहले हमने कैश डिपॉजिट कराया तो हम कैश यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद में हमें यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का लेजर आपके पास बना होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का जो लेजर है वो ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है। तो बैंक ऑफ इंडिया, अब इसका जो बैंक ऑफ इंडिया का जो अंडर में रहेगा वो हम रखेंगे बैंक अकाउंट को, अगर आप ये करंट अकाउंट यूज कर रहे हो तो बैंक अकाउंट रखेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर आप अपने अकाउंट का नंबर दे सकते हो सॉफ्टवेयर में, आईएफएससी कोड देख सकते हो, स्विफ्ट कोड है, बैंक का नाम है, ये सब कुछ आप दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ एक बार इसको स्किप कर दिया मैंने, और उसके बाद में हमने ये पैसा बैंक में जमा करवाया है 5,000 रुपये। तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैश हम क्रेडिट करते हैं 5,000 रुपीज़, और उसके बाद में हमने बैंक ऑफ इंडिया में ये पैसा जमा कराया तो बैंक ऑफ इंडिया को हम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया को डेबिट करेंगे और कैश के लेजर को हम क्रेडिट करेंगे। तो दोस्तों ये जो ट्रांजेक्शन है ये होती है हमारी, और उसके बाद में यहाँ से हमारी जो समरी होती है ये भी हमें डिटेल देनी होती है जो हमने यहाँ पर डिपॉजिट करवाया। जैसे कि हमने 5,000 के रुपये 10 नोट हमने जमा करवाए हैं, तो हम यहाँ पर भी 10 लिखेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से एक ट्रांजेक्शन होगी हमारे पास बैंक में कैश डिपॉजिट करवाने की। उसके बाद में दोस्तों बारी आती है, अगर हमें ज़रूरत पड़े, जैसा कि हमने बैंक से पैसा जो निकलवाया है तो उस कंडीशन में हम चेक का यूज़ करते हैं, और चेक पे हम लिखते हैं सेल्फ। अब जैसे हमने 31 दिन में 2,000 रुपये पैसा बैंक से विड्रॉ किया है, तो इसके ट्रांजैक्शन की जो एंट्री है सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर चेक का नंबर लिखेंगे 007201। आपको बिल्कुल एंड में यहाँ पर जो चेक नंबर होता है वो वहाँ पर दिखेगा, जो शुरुआत के जो 6 डिजिट के साथ होता है। तो वो एंट्री हमने, इसका जो वाउचर नंबर है, चेक का नंबर हमने काउंटर वाउचर में यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें बैंक ऑफ इंडिया को क्रेडिट करेंगे, अमाउंट इसकी 2,000, और उसके बाद में हम चेक नंबर यहां पर भी हम लिख सकते हैं, और अब वापस कैश को हम करेंगे डेबिट, और इस वाउचर को भी करेंगे एक्सेप्ट। तो इस तरीके से ये सेकंड ट्रांजैक्शन भी हमने कर दिया, कैश विड्रॉ करना। अब तीसरी बार आते हैं बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन। तो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया कि अब हमारे बिजनेस में जैसे एक तो बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है हमारे पास, और एक बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अकाउंट है। तो हमने 1,000 रुपये जो ये पैसा है वो हमने बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हमारा अकाउंट है उसमें हमने ट्रांसफ़र किया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्मार्ट इंटरप्राइजेज, क्योंकि हमारी कंपनी का नाम स्मार्ट इंटरप्राइजेज है, तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है वो भी हमारा स्मार्ट इंटरप्राइजेज के नाम से ही ओपन होगा। तो हमने जो चेक काटेंगे स्मार्ट इंटरप्राइजेस के नाम से काटेंगे, और बाद में इसकी टाइप की बैंक ऑफ बड़ौदा की हमें इस टाइप की स्लिप भी तैयार करनी पड़ती है। दोस्तों जैसे कि हमने ये चेक हमने बैंक ऑफ इंडिया से इशू किया हुआ है 1,000 रुपये का, और उसके बाद में इस 1,000 की जो एंट्री हमें इस तरीके के बैंक ऑफ बड़ौदा की जो हमारे पास स्लिप होती है उसे भी भरना होता है, क्योंकि अभी इसका जो आगे का हिस्सा इस बैंक ऑफ बड़ौदा का ये वाली जो है, अब ये बैंक हम उस चेक के साथ हम बैंक में देंगे, और हमारे पास केवल ये जो एंट्री है, ये जो पार्ट रहता है ये हमारे पास रहता है। हमें जो एंट्री करनी है वो इस वाउचर को देखकर ही करनी है। तो यानी कि हमने हमारा ही बैंक ऑफ बड़ौदा है वो भी हमारी कंपनी का अकाउंट है, और बैंक ऑफ इंडिया है वो भी हमारी कंपनी का ही अकाउंट है, यानी कि ये हमने बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन करी है। तो इसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए हम काउंटर वाउचर पर जाएंगे। हमने जो चेक नंबर यूज़ किया है वो 2 नंबर चेक यूज़ किया है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, जब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 007202 और 1,000 रुपये का है, और ये बैंक ऑफ इंडिया से पैसा आ रहा है। तो अब इसकी एंट्री हमें ध्यान रखना भी पैसा कौन से बैंक से निकल रहा है, बैंक ऑफ इंडिया से, तो यानी कि बैंक ऑफ इंडिया को हम करेंगे क्रेडिट यहाँ पे 1,000 से, और उसके बाद में हम यहाँ पर भी इसका चेक नंबर लिख सकते हैं, और उसके बाद डेबिट हम करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा को। तो हमें एक बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से भी एक लेज़र हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम शॉर्टकट अगर लेज़र क्रिएट करना चाहें तो Alt+C का हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा का हमने लेज़र बना दिया है। अब ये भी हमारा करंट अकाउंट है तो इसके हम बैंक अकाउंट में रखेंगे, और उसके बाद में जो हमारा अकाउंट नंबर होता है तो वो अकाउंट का नंबर हमें हमारी सेलर स्लिप इस स्लिप पे भी मिल जाएगा, या अगर आप चेक बुक आपके पास है तो चेक बुक पे भी आपका अकाउंट नंबर प्रिंट होता है, तो वो आप चेक में से देख के इसको टाइप लिख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन। तो मैं इसको एक बार स्किप कर रहा हूँ, और इस तरीके से हमने ये बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट को हम क्रेडिट किया है, और बैंक ऑफ बड़ौदा को हमने डेबिट कर दिया, यानी कि ये होती है हमारी बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन। और एंटर प्रेस करेंगे, अब बैंक ऑफ नाम यहाँ पे लिख देंगे हमने भी, जो पैसा हमारे पास आ रहा है वो बैंक ऑफ इंडिया से आ रहा है। तो जैसे आप टाइप करोगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ बैंक आप आ जाएगा, अगर आपके सिस्टम पे नेट ऑन है, तो अभी मेरे पास सिस्टम में नेट ऑन नहीं है, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ बैंक की डिटेल है जो
खाली आ रही है, तो इसे मैं एक बार नॉट एप्लीकेबल भी कर दूंगा। तो यहाँ पर इसका नरेशन हम लिख देते हैं भाई, ट्रांसफ़र हमने किया है पैसा और इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो शुरुआत की जो तीन ट्रांजेक्शन होती है बेसिक ट्रांजेक्शन होती है। अब बात आती है मेन कैश टू पेटी कैश की। दोस्तों मेन कैश टू पेटी कैश का मतलब क्या हो गया? अब ये ज़्यादातर जो मतलब इसकी एंट्री के जो यूज होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर की कंडीशन में यूज होते हैं। अब जैसे आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर हो और आपकी 10 अलग अलग साइट पे आपकी वर्किंग चल रही होती है और हर आप साइट पे एक मेन बंदे को आपने यानी कि मेन एम्प्लॉय को वहाँ पर आपने हैंडल, उसके अंडर में सारा काम है जो हो रहा है। लेकिन आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है भी आप सभी जगह विजिट कर सको जहाँ जहाँ पे आपकी साइट चल रही है। लेकिन वहाँ पर जो भी साइट चल रही है वहाँ पर जो लेबर वर्क कर रही है तो लेबर को भी टाइम टू टाइम पैसा वहाँ पर चाहिए होता है। तो इस कंडीशन में होता क्या है भी जो भी आपका हेड ऑफिस है, मान लीजिए हेड ऑफिस आपका दिल्ली है और आपका अलग अलग स्थान पे काम चल रहा है, तो आपको लेबर को पेमेंट देने के लिए आपको जो मेन ब्रांच है वहाँ से कुछ पेमेंट आपको दे दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपको 1 लाख रुपये जहाँ पे जयपुर में आपकी वर्किंग चल रही है और वहाँ पे जो मेन बंदा उसको हैंडल कर रहा है उस साइट को, तो एज ए मैनेजर हम समझ सकते हैं उसको, तो उस मैनेजर को आपने हेड ऑफिस से 1 लाख रुपये दे दिया। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब आपकी जो मेन केस है हम यहाँ पे लिख देंगे कैश ट्रांसफर हो रहा है। अब जो मेन केस आपकी हेड ऑफिस से वो निकल रही है तो हम मेन केस को यहाँ से क्रेडिट कर देंगे जैसे 1 लाख रुपया। हालांकि अब केस इसमें शॉर्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके बाद डेबिट हम करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक नया लेजर कराना पड़ेगा। अब जैसे कि आपके पास जयपुर ब्रांच में आप ट्रांसफर कर रहे हो, आपके जयपुर साइड में जो वर्किंग चल रही है, तो आप यहाँ पर एक अपना एक साइट का एक अलग से लेजर क्रिएट सकते हो भी जयपुर साइट में आपकी चल रही है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी वहाँ पर विनोद नाम का आपका मैनेजर है, आपने विनोद कुमार को पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो इसका जो ग्रुप है आप वो भी कैश इन हैंड रखोगे और एंटर प्रेस करेंगे और 1 लाख रुपये अब हमारा जयपुर साइट के जो विनोद कुमार को हमने वहाँ से सेंड करा दिया ताकि वो वहाँ से टाइम टू टाइम लेबर को जो कैश पेमेंट है वो करता रहे। क्योंकि मेन जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो सभी जगह जा नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, तो सभी जगह अलग अलग मैनेजर हैंडल किए होते हैं, सभी को वहाँ से मेन ब्रांच से पैसा एक बार भेज दिया जाता है भी आप अपने लेबर को पेमेंट कर दीजिए, हिसाब अपने पास रखिए और बाद में जितना ट्रांजेक्शन पैसा आपने ट्रांसफर दे दिया है उनको तो और बाकी का जो डिफरेंस है उसका हिसाब हमें दे दीजिएगा। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे इसका नरेशन भी लिख सकते हैं, हमने भी कैश ट्रांसफर हमने किया है। या अगर आप कैश नहीं देते तो कई बार ऐसा होता है भी आप अपने मैनेजर के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट करवा देते हो चेक के थ्रू, तो इसकी एंट्री में जरूरत नहीं करनी पड़ती। ये होता है केवल आप पैसा नगद दे रहे हो वहाँ पर उस कंडीशन में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जयपुर साइट का वर्किंग चल रहा था उस कंडीशन में हमने पैसा ट्रांसफर किया है। तो अब हालांकि पैसा अभी भी हमारे पास ये 1 लाख रुपया, तो अगर हम बैलेंस शीट में देखेंगे तो बैलेंस शीट में हमें आपके कैश इन एंड में हम देखेंगे तो कैश इन अभी भी हमारे पास इतनी है। जयपुर साइट के अंदर हमारा 1 लाख रुपया भी पड़ा है और हमारी जो मेन कैश है वो वहाँ पे 94,600 रुपये एक बार अभी माइनस में शो कर रही है क्योंकि इतना कैश अवेलेबल हमारे पास था नहीं। ये केवल हमने एंट्री को समझने के लिए ये ट्रांजेक्शन करके देखी है। तो दोस्तों इस कंडीशन में इस तरीके से अगर पास अलग अलग साइट पे वर्किंग चल रही है तो हम इस तरीके की जो फेटी कैश एंट्री है वो भी हम कॉन्ट्रा वाउचर में ही करते हैं। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों में शेयर भी जरूर कर देना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लेना क्योंकि हम आपके लिए आगे भी इसी तरीके की प्रैक्टिकल वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।